अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील जामनेरपुरा येथील नागरिकांनी त्या भागात असलेल्या सार्वजनिक शौचालयाच्या आउटलेट संदर्भात जामनेर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी राहुल पाटील यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे। जामनेरपुरा भागाची शौचालये बांधण्यात आलेली आहेत, त्या शौचालयाचे पाणी हे उघड्यावर सोडण्यात आले असल्यामुळे त्याची दुर्गंधी संपूर्ण परिसरात पसरत आहे। तसेच या दुर्गंधीमुळे नागरिकांच्या आरोग्यास देखील धोका निर्माण झाला आहे। यासाठी या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यासंबंधीची मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे। जामनेर शहर नगरपालिकेमध्ये स्वच्छता अभियान राबवले जाते, परंतु तसं शहरामध्ये काहीच नाही आहे। कारण असं आहे की जामनेरपुरा भागात जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ परदेशपुरा संडाशीचं नाव आहे, त्या संडाशीचा जो पैप आहे तो जे समिती आली होती समितीच्या अगोदर म्हणजे 12 तारखेच्या अगोदरचा जो पैप सटकलेला आहे तरी तिथे लक्ष घालण्याचे काही नगरपालिके दुर्लक्ष आहे। आणि शहरामध्ये स्वच्छता अभियान राबवले जातो आहे, लोकांची दिशाभूल करले जाते। कारण शहरामध्ये स्वच्छताच नाही, लोकांना म्हणतं की स्वच्छता अभियान राबवले जाते, म्हणजे शासनाला सुद्धा हे नगरपालिकाचे कर्मचारी व नगरपालिका अक्षरशः फसवते। कारण काम शून्य, फक्त स्वच्छता अभियान असलं की सर्वांनी कर्मचाऱ्यांना यांना सगळ्यांना काही परिश्रम करायचं, काही समिती येते, कमिटी येते, काम काही नसतं। आता स्वच्छता म्हणजे संडाशीचं सांडपाणी जर रस्त्यावर येत असेल, इतकी दुर्गंधी झालेली इथे जामनेरपुरा भागात सांगायचं काम नाही। विवेकानंद नगर सारख्या तिथे रस्त्याचं काम बोगस काम होतं, ते काम थांबवलं त्यावेळेलाही त्या अक्षरशः धनके साहेब आले, त्यांनी स्वतः ते लक्ष घातलं आणि ते रस्त्याचं काम मार्गी लागले। आणि इथे नगरपालिकेत कर्मचारीसुद्धा काय टेबलावर हजर नसता। आता इथे स्वतः लोकांची जी तक्रारी होत्या, सी ओ साहेबांना मी स्वतः भेटलो आणि निवेदन दिलं आम्ही भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीने। आणि शहरामध्ये इथली लोकांना भूलथापा मारल्या जातात किंवा अभियान आलं की ते सगळे कर्मचारी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत बसवले त्याचा, आणि स्वच्छता मग आहे नाही शहरामध्ये। आणि जे चाललं आहे हे सगळं चुकीच्या पद्धतीने चाललं आहे। इथे लोकांना जामनेर शहर में शास्त्री नगर और जामनेर के दूसरे इलाकों में जहाँ जहाँ पर नगर पालिका की तरफ से स्वच्छता गृहें बनी हुई है, शौचालय बने हुए हैं, वो बहुत गंदगी और धान के शिकार हैं। वहाँ पर सुअर पूरे गांव में ऐसी गंदगी कर रहे हैं कि जिसकी वजह से अपने आरोग्य का बड़ा मसला खड़ा हो गया है। जो शौचालय बने हुए उनके कनेक्शन जो है तो टूटे हुए हैं, उनके जो पाइप्स हैं जो सैनिटेशन के पाइप्स हैं वो पाइप्स टूटे हुए हैं, उससे गंदगियाँ रोड पर फैल रही है, बस्तियों में फैल रही है। सुअर फिर रहे हैं इधर उधर, जिसकी वजह से आरोग्य का इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया है। गंदगी की वजह से स्वाइन फ्लू हो सकता है और दूसरे बीमारियाँ हो सकती है। तो आज हमने इसके बारे में माननीय चीफ ऑफिसर मुख्य अधिकारी जामनेर नगर पालिका इनसे चर्चा की और उनसे जो है तो हमने रिप्रेजेंटेशन करके ऐसी गंदगी को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। और स्वच्छता के बारे में जो है तो जामनेर जिस तरीके से पहले अव्वल आया था, तो पहले भले ही वो जो है तो झूठे या किसी चीज़ को छुपा कर किया गया हो, लेकिन अब वो सच में जामनेर जो है तो एक नंबर पर स्वच्छता में आ जाए, इस बात के लिए जो है तो हमने बहुत यानी याचना करके जो तो सीईओ साहब से कहा है कि आप वो ऐसी सारी रेगुलेटरीज को कवर करें। और दूसरी बात ये है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स एकदम मूजर हो गए हैं, वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से गलत काम कर रहे हैं। उसमें हर किस्म के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो डेवलपमेंट के काम करने वाले, जो मेंटेनेंस के काम करने वाले, वो सारे के सारे। तो उन लोगों ने भी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, सिविलियंस को, सिटीजन्स को, नागरिकों को जो है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे काम किए जाएँ। उनको इसके लिए अपॉइंट किया गया ताकि जो हमारे नागरिक हैं उन नागरिकों की सुविधा हो, असुविधा ना हो। तो उन्होंने कोई भी काम करना है तो उन्होंने सुविधा का पूरा ध्यान रख के काम करना चाहिए। और इसके अलावा जो लोग इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं और वो अपनी ड्यूटी से ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को काली यादी में डाला जाए, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल करके जो है तो नगर पालिका उनको दंडित करे, इस बात के लिए भी जो है तो हमने रिप्रेजेंटेशन किया। पुनः भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।